बाफ आ रहा है। वी आर एट खारदुंगला टॉप, वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। हर जगह हम रुक रहे हैं, एक आधे घंटा पैच होता है, फिर से वो रोड क्लियरेंस का काम चलता है, फिर हम रुक रहे हैं। अभी हमारा एक घंटे का ही रास्ता बचा है, बट पता नहीं वो दो घंटे लगेंगे या ढाई घंटे लगेंगे अगर इस तरीके से हमें हर बार रुकना पड़ेगा तो। वो पूरा जो गिरे पत्थर वो पूरा हटा के ही वो हमको जाने देंगे, पर आगे भी चल रहे तीन चार काम जैसे भी है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ, तो उधर भी गाड़ियाँ रोकी है, दिख रही है आपको, चार पांच गाड़ियाँ हैं वहाँ पे रोकी हुई है। ये ब्लू शिप है यूरियम, ये सिर्फ पहाड़ी यहाँ पे मिलती है ना? जी जी, ये पेंगोंग का रोड है जब हम ओके ये सीधा वाला पेंगोंग का रोड है जिस पे हम जाने वाले हैं एक दो दिन में। अब हम नुब्रा वैली के नजदीक कहाँ के पहुंचे, पूरा पहाड़ उतर के आए ऑलमोस्ट। अब दिख रहा है आपको पीछे, अभी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ब्राउन ब्राउन, उसके पीछे जो है वो है अपने हिमालयन की पहाड़ बर्फ वाले जो दिख रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे। नाश्ता करना है, क्या है नाश्ते में? इडली वड़ा सांभर, उत्तप्पा, मसाला डोसा, क्या चाहिए आपको? बस इतना ही हाँ? बस इतना ही है, बाकी सब है। चाइनीज है, वेज चाइनीज है, चिकन चाइनीज है, सबका है, चिकन सबका है। ठीक है ठीक है, बिरयानी है, वेज बिरयानी, सोच के बताते, सोच के बताते। मसूरी पाव, मोमोज और फ्राइज तो खत्म हो चुके हमारे। ये है आलू पैप्स पराठा, बुर्जी विद टोस्ट। यस, सो अभी हम लोग उंडर आए हैं, यहाँ पे देखोगे तो कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। हाँ दिखाओ, क्या देखो, कैन यू इमेजिन, सैंड मस्त सैंड। अभी वहाँ पे कैमल राइड होता है वहाँ पे जा रहे, बट रास्ते टेम्पो ट्रैवलर फंस गई तो वो हेल्प कर रहे निकालने का, इसलिए पूरा लाइन लग गए यहाँ पे मस्त। और वहाँ पे मस्त नाला, क्या बोलते हैं, फ्रेश ग्लेशियर का पानी जा रहे ले बस, वो देखते हैं क्या साफ है कि नहीं। साफ ही रहता, एकदम साफ रहता कि वो मड़ी बाद में होता है जब स्नो पिघलना चालू हो जाता है। हाँ ज़्यादा स्नो पिघल तो मतलब अभी स्टार्ट हो गया है, इतना भी नहीं मड़ी नहीं। ये अभी देखो कितना क्लियर है, नीचे का सैंड भी दिख रहा है सॉलिड। तो ये है कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। निकला निकला निकला, धकला धकला धकला, हाँ मारते जाएगा ना, अटके ना तो फाड़े। यहाँ पे आर्चरी हो रही है, भाड़े पे क्लोथ्स मिल रहे हैं, सो यू कैन टेक फोटोज। उसके बाद कैमल राइड, ओके
ओके वहाँ पे जाके। सो ये बेसिकली कैमल्स अपने नेटिव नहीं है इंडिया के, ये मंगोलियन वगैरह जो थे उनके कैमल्स है। तो डबल हम कैमल्स इंडियन का नेटिव नहीं है। कोल्ड रेगिस्तान में बहुत ठंड लग रही है। बहुत ठंड है। Wow! वाह आकेश पूरा जोर लगा कड़े काम बोले यार डबल हम खत्म। अभी हम लोग इम्पीरियल इको कॉटेज में आए हैं। मस्त कॉटेज है, आपको अभी अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। पर एकदम क्यूट है, प्लेस भी मस्त है, तो कोई लैंटर्न भी मस्त लगा। तो चलो, स्पेशियस है, मस्त। यहाँ पे सब सामान रखा है फिलहाल के लिए, एकदम रस्टिक है। और इधर वॉशरूम, वाह मस्त है, नॉट बैड, सही है, नॉट बैड। चलो चलो आज के लिए, इधर आओ मीम साहब। आज के लिए बहुत ही मज़ा आया कैमल राइड पे, जो फुल एडवेंचर हुआ है। एक्चुअली लगा कि कैमल राइड चल रहा है डेजर्ट में, एक्चुअली ये कोल्ड डेजर्ट ही है और वहाँ पे पूरा पूरा सैंड ही है, बट तूफान नहीं चल रहा था। हमारी कैमल राइड जैसे ही चालू हो गई 10 मिनट में ही पूरा तूफान चालू होने लग गया, इतना जोर से था और सीधा सीधे मुंह पे ही आ रहा था, कैमल पे भी और हमारे भी। फेशियल हो गया, फेशियल पूरा आँख कान नाक सब में सैंड चले गया। हम लोग तो ऐसे मुंडे नीचे करके करके उसको अवॉइड करने का कोशिश कर रहे थे, पूरा कैप वैप सब यहाँ वहाँ मास्क वास्क सब लगा लिए थे। बट एक्चुअली ऐसा लगा फुल एक्सपीरियंस है। हाँ। सैंड मतलब तूफान आ गया फुल सैंड में, ऐसा लगता है फुल रेगिस्तान में सैंड स्टॉर्म देख लिया हम लोग ने। हाँ राइट, अभी लग रहा है, मेरी फ्रेंड बोल रहा है कि एक बारिश हो रहा है, क्या पता, देखते हैं। हमने आज सब देख लिया, बारिश देख लिया, स्नो देख लिया, देख लिया, सैंड स्टॉर्म भी देख लिया, पूरे एक दिन में सारा देख लिया, सारे सीजन। तो चलिए अभी हम रेस्ट करेंगे, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन बी नमकीन, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो चीयर्स। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse, about the lies you go disperse, you never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me go. BTS, BTS, behind the shoot.